रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोस्की। पैसों के बारे में वो बातें जानें जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं। मिडिल क्लास परिवारों में अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि पैसा ही हर समस्या की जड़ है। उनके घरों में बच्चों से पैसों की बातें कभी नहीं की जाती। यहाँ तक कि लोग जो फिल्में देखते हैं उसमें भी विलन हमेशा एक अमीर बिजनेसमैन ही होता है। उनके हिसाब से पैसा आदमी को घमंडी और लालची बना देता है। पैसों के बारे में इस तरह की सोच रखने से ही उनके बच्चे भी अपनी जिंदगी गरीबी में बिता देते हैं और उनके भी बच्चों का यही हाल होने वाला है। इस किताब में वो बातें बताई गई हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिससे उनके बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी सुकून से बिताते हैं। इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरह से आप खुद पैसों के लिए काम न करके अपने पैसों से अपने लिए काम करवा सकते हैं। ये किताब आपको पैसों पर काबू पाना सिखाती है और साथ ही ये बताती है कि किस तरह से आप अपनी आमदनी और अपने खर्चों के बीच के अंतर को इतना बढ़ा सकते हैं जिससे आपको कभी काम करने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने पैसों पर नजर रख सकते हैं, संपत्ति और कर्ज में क्या अंतर होता है, किस तरह आप खुद को टैक्स से बचा सकते हैं। पहला सबक, चूहा दौड़ से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। चूहा दौड़ में दौड़ने का मतलब है हमेशा खुद के अलावा सबके लिए काम करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने बॉस को अमीर बना रहे हैं, खुद को अमीर नहीं बना रहे। बहुत से लोगों को ये बात पहले से पता है लेकिन वे फिर भी ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग ये काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि अगर वे लोगों की तरह काम नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यही डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा हम लोगों को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि स्कूल जाकर अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। ये सलाह इंडस्ट्रियल एज से चली आ रही है। उस समय एक कंपनी में अच्छी नौकरी करने के बाद आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी अपने बच्चों को 100 साल पुरानी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि दुनिया के 80% लोग मिडिल और पुअर क्लास की जिंदगी जी रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम इस दौड़ में कुछ इस तरह से उलझ गए हैं कि हम ये जानकर भी खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हम बस काम किए जा रहे हैं और अपने बॉस को अमीर बनाए जा रहे हैं। इससे हम अपना सिर तो पानी के ऊपर रख पा रहे हैं लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सबक, लालच और डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। अगर आपके पास फाइनेंस का ज्ञान नहीं है तो लालच और डर जैसी भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। ये भावनाएं आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर सकती हैं और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। जब भी हमारे पास कुछ ज्यादा पैसे आते हैं तो हम उसे किसी स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि लालच में आकर उन पैसों से गाड़ी और घर खरीद लेते हैं। हम हमेशा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, अमीर बनने की नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि हम सारी जिंदगी काम करते रहते हैं और एक दिन गरीबी में मर जाते हैं। पैसों को इन्वेस्ट करने से हम लंबे समय तक अमीर रह सकते हैं, लेकिन हम में से हर किसी के अंदर पैसों को खो देने का डर रहता है। पैसों को इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते, वे अपनी सारी जिंदगी जमीन पर बैठकर बिता देते हैं। ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं उठते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गिर जाएंगे। ऐसे लोगों को ये पता नहीं होता कि वे पहले से ही गिरे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई भी रिस्क ना लेना असल में एक ऐसा रिस्क लेने के बराबर है जिसमें उनका नुकसान तय है। जब हम महंगी गाड़ी लेते हैं तो उस पर भी हमें टैक्स भरना होता है और साथ ही समय समय पर उस पर खर्च भी करना होता है।
वो गाड़ी हमें अंदर से और गरीब बना देती है। इससे निकलने के लिए हमें फाइनेंस के बारे में जानना होगा। अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम अपने लालच और दिखावे की भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। तीसरा सबक, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व के बारे में नहीं बताया जाता। क्या आपको पता है कि जो लोग रिटायर होते हैं उनमें से 50% लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता, और जो बचे हुए 50% है उनमें से भी 75-80% लोगों को जरूरत भर की पेंशन नहीं मिलती। आज की दुनिया में अगर आप सिर घुमाकर देखें तो आपको बहुत सारे काबिल लोग दिखाई देंगे, लेकिन ये काबिल लोग कामयाब नहीं है। इन सभी बातों की एक वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज के समय में स्कूल में वो पढ़ाया जाता है जिसका इस्तेमाल असल जिंदगी में बहुत कम होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा कमाना और उसे संभालना चाहता है, लेकिन स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद पैसों को अच्छे से नहीं संभाल पाते। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने की वजह से सिर्फ लोगों का ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान होता है। अगर बड़े बड़े नेता विदेश से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाएंगे तो सोचिए उस देश का क्या होगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आज बहुत सारे लोग गरीब हैं तो उसकी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसे हालात में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से अपने आप को फाइनेंस की बातों से परिचित कराएं। अगर आप हर एक वक्त में बहुत कामयाब रहना चाहते हैं तो आपको इसकी बहुत जरूरत है। चौथा सबक, फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल करके आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। आप जितनी जल्दी काम करना शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी खत्म भी करेंगे और अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से बिता सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी होगी। आप जब तक खुद को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक आप फैसलों को अच्छे से नहीं ले पाएंगे। आइए देखें आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप भविष्य में किस तरह की जिंदगी जीने की उम्मीद करते हैं। आप देखिए कि भविष्य में जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तब क्या आप अपने इस काम से अपने आप को संभाल पाएंगे। इसके बाद आप अपने फाइनेंस की मंजिल को तय कीजिए। आप ये सोचिए कि अब से 10 साल बाद आप अपने आप को किस हालत में देखना चाहते हैं और किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप खुद के लिए जो भी मंजिल तय करें उसे हासिल करने के लिए जानकारी हासिल करना शुरू कर दीजिए। आपका समय और आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका सही इस्तेमाल करना सीख कर आप कामयाब बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को सुधारने के लिए आप सेमिनार में जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या फिर एक्सपर्ट के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं। पांचवा सबक, अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा। आज तक कोई भी बिना रिस्क लिए अमीर नहीं बन पाया है। कामयाब लोगों को रिस्क लेने से डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे करते हैं। उनके पास सोच समझ कर रिस्क लेने की काबिलियत होती है जिससे वे जब रिस्क लेते हैं तो कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ नाकामयाब लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है। हम में से हर कोई अपने पैसों को बैंक में जाकर जमा कर देता है, हम उसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते और इसीलिए हमेशा पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए आप अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप उसे स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमेशा खतरा रहता है कि आपका सारा पैसा डूब जाए, लेकिन अगर आप जमीन से उठने की कोशिश ये सोचकर नहीं करेंगे कि आप गिर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही गिरे हुए हैं। समय के साथ आपको सोच समझ कर रिस्क लेना आ जाएगा। अगर आप स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप रियल एस्टेट या फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर किसी इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि उसमें ज्यादा रिस्क भी है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको कभी कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करने से आपको फायदा कभी नहीं होने वाला। छठा सबक, अमीर बनना आसान नहीं है, इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए। सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आप अमीर बनने के रास्ते पर निकल रहे हैं तो आपको बहुत बार गिरना होगा और बहुत बार हारना भी होगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मुश्किल वक्त में आप अपना मोटिवेशन ना खोएं। इसके लिए कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहता, या फिर मुझे हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करना। जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तब आप उस लिस्ट को निकाल कर पढ़िए। इससे आपको ये पता लगेगा कि अभी आपको क्यों काम करना होगा। इसके अलावा आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च कीजिए। अक्सर हम ये करते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तब हम अपने बिल भरते हैं, अपनी ईएमआई भरते हैं, फीस भरते हैं और जरूरत के कामों में सारे पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसा करके हम अपनी सारी परेशानियों को निपटा कर अपने दिमाग को काम के बोझ से हल्का कर देते हैं और हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च करेंगे तो आप अपने दिमाग को बाकी की जरूरतों को पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। इससे आप अलग अलग रास्ते निकाल कर पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचने लगेंगे और समय के साथ बेहतर बन जाएंगे। खुद पर पहले पैसे खर्च करने से आपको ये भी समझ आएगा कि आपको अपनी जिंदगी सुख चैन से बिताने के लिए हर महीने कितने पैसे चाहिए। फिर आप इस मंजिल को हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा कर्ज ले लीजिए या फिर खुद को हद से ज्यादा परेशानी में डाल दीजिए। इसके अलावा आप खुद को प्रेरित करने के लिए कामयाब लोगों की कहानियां भी पढ़ सकते हैं। आप देखिए कि मुश्किल वक्त के समय उन लोगों ने किस तरह खुद को संभाला। सातवां सबक, आलस और घमंड आपके डूबने की वजह बन सकती है। आप चाहे कितने ही समझदार या चालाक क्यों न हो जाएं, अगर आप खुद के व्यवहार को सुधारने पर काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए अपने अंदर से आलस और घमंड को पूरी तरह से निकाल दीजिए। आलस करने का मतलब है वो ना करना जो करना चाहिए। हम में से हर किसी को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। आलस करने का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन सोते रहें। अगर आप किसी भी जरूरी काम को करने से पीछे हट रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। भले ही आप एक हफ्ते में 60 घंटे काम कर रहे हों, लेकिन अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं जो आपको देना चाहिए तो आप आलसी कहे जाएंगे। इसके अलावा घमंड हमें अपनी बुराइयों को देखने नहीं देता। घमंडी लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अगर कोई उन्हें अच्छी सलाह देता है तो वे उसे सुनते या उस पर गौर नहीं करते। वे बस वही मानते हैं जो वो मानना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। घमंड आपको काफी हद तक डुबो सकता है। अगर आप सुनने से पहले बोलते हैं, सुनकर सोचने के बजाय सोचकर सुनते हैं और अपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानते तो समझ जाइए आप घमंडी हैं। कामयाब बनने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। इसके लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। आठवां सबक, संपत्ति और कर्ज में अंतर करना सीखिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें मायने रखती हैं। जो चीजें उनके लिए हद से ज्यादा मायने रखती हैं वे उसे अपनी संपत्ति मानते हैं। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले संपत्ति और कर्ज में अंतर जान लेना चाहिए। संपत्ति वो होती है जो समय समय पर आपकी जेब में पैसे डालती रहे, और कर्ज वो है जो समय समय पर आपकी जेब से पैसे निकालते रहे। अमीर बनने के लिए आप सबसे पहले अपने पैसों को संपत्ति खरीदने के काम में लगाइए ताकि आपके पैसे
आपके लिए काम कर सके और समय समय पर आपको सिर्फ फायदा हो सके। संपत्ति के लिए पैसे खर्च करने का मतलब है स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, रॉयल्टी या फिर किसी भी ऐसे काम पर पैसा लगाना जहां से आपको बिना काम किए बार बार पैसे आते रहें। आप कुछ ऐसी चीजें भी खरीद सकते हैं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ जाए। एग्जाम्पल के लिए जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। पैसों को इन्वेस्ट करने से वो पैसा आपका कर्मचारी बन जाता है। आपके पास जितने ज्यादा कर्मचारी होंगे आपको उतना ही फायदा होगा। जब आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों से आपके पास ज्यादा पैसे आए तो आप उसे भी इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास हर महीने के खर्च से ज्यादा पैसा न आने लगे। बहुत सारी चीजें हमारे लिए कर्ज का काम करती हैं, लेकिन हमें लगता है कि वे हमारी संपत्ति है। एग्जाम्पल के लिए लोग सोचते हैं कि उनका घर उनकी संपत्ति है, लेकिन क्या उनके घर से उन्हें पैसे मिलते हैं? नहीं, बल्कि वे हर महीने प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं और वे हर साल घर की मरम्मत करा रहे हैं जिससे उनकी जेब से पैसे निकल रहे हैं। इस तरह से वो घर आपके लिए कर्ज है, ना कि संपत्ति। अगर आप उस घर को भाड़े पर दे दें तो वो संपत्ति बन जाएगी। नवा सबक, नौकरी से आपकी जिंदगी का गुजारा होता है, बिजनेस से आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बिजनेस में आप काम नहीं करते हैं बल्कि आपके लिए कोई और काम करता है। इस तरह से आपको पैसे आते रहते हैं लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा। नौकरी करने से आपकी जिंदगी कटती रहती है, आप उससे अपने घर का खर्च चला लेते हैं लेकिन अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो अपनी नौकरी से आने वाले पैसों को अपने बिजनेस में लगा दीजिए। आप पार्ट टाइम में अपने बिजनेस पर ध्यान देकर उसे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हर संडे को जाकर रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी से आने वाले पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को समय दे रहे हैं जिससे समय के साथ आप अमीर बन जाएंगे। जब आपके बिजनेस से ज्यादा पैसे आने लगे तब आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय अपने बिजनेस को दे सकते हैं। 10वां सबक, टैक्स कोड को समझकर आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि टैक्स क्या होता है और वो क्यों लिया जाता है। हमारी कमाई का एक मोटा हिस्सा टैक्स में चला जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं? आइए देखें कैसे। हम कानून का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स से बचा सकते हैं। अगर आप अपने पैसों को कॉर्पोरेट के नाम से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स से संबंधित बहुत सारे फायदे होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई नुकसान होता है तो वो कॉर्पोरेट के नाम से होगा। कॉर्पोरेट की मदद से आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। इसलिए कोई भी काम अपने नाम से ना करके कॉर्पोरेट के नाम से कीजिए। मिडिल क्लास के लोगों के साथ ये होता है कि वे पहले पैसे कमाते हैं, फिर उसका कुछ परसेंट टैक्स भरते हैं, फिर जो उनके पास बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर जितना हो सके उतना इन्वेस्ट और खर्च करते हैं और फिर अंत में उनके पास जो पैसे बच जाते हैं उसका कुछ परसेंट टैक्स भरते हैं। यही वजह है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। आप सबसे पहले अपने देश के कानून के बारे में जानिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो ये कानून आपका इस्तेमाल करता रहेगा। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमीर बनने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करें जिससे आपको बिना काम किए पैसे मिलते रहें। ये जरूरी है कि आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स हो। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप अपने पैसों को अपना कर्मचारी बना सकते हैं। इसके अलावा आप खुद को फाइनेंस, टैक्स और कानून के बारे में शिक्षित करके आप अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं। क्या करें? अगर आप नतीजों को जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी। जल्दी शुरुआत करने से आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं।
इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़िए। आप ये पता कीजिए कि स्टॉक मार्केट में कौन क्या काम कर रहा है। आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं और किस वेबसाइट से आप उनकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट आपको ये सिखाती है कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप हमेशा जानकारी लेते रहेंगे तो आप मार्केट में ज्यादा कामयाब होंगे। एक कॉलम शीट बनाइए जिस पर आप अपने महीने की आमदनी और खर्चों को लिख सकें। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आमदनी को अपने खर्चों से बढ़ाना होगा। आप अपने पैसों पर नजर रखिए। आप अपने पैसों पर नजर रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लिखिए कि आपके महीने के खर्च क्या हैं, आप हर महीने किस किस चीज पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और आपकी संपत्ति आपके लिए हर महीने में कितना पैसा ला रही है। इससे आप अमीर बन सकते हैं। उन लोगों से मिलिए जो मार्केट में पहले से एक्टिव है। अगर आप उन लोगों से अपनी जान पहचान बनाएंगे जो मार्केट में पहले से एक्टिव हैं, तो आप लंबे समय तक कामयाब रह सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी से ऐसे रिश्ते बनाइए जो टैक्स के बारे में बहुत जानकारी रखता हो। उनके ऊपर कुछ रुपये खर्च कीजिए जिससे आपको उनका सहारा मिल सके। अगर आप ईमानदार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं, तो बहुत से लोग आपको सलाह देने के लिए तैयार हो जाएंगे।